हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे कटोरी चाट। उसके लिए मेरे पास ये भलियाँ हैं, मैंने इन्हें भिगो लिया था। ये अच्छे से गल गई हैं, ये देखें। उसके अलावा मेरे पास प्याज है, इसे मैंने कटिंग करके रख लिया, इसे अभी मैंने वॉश करना है। मेरे पास आलू थे तीन, मैंने उन्हें बॉईल करके रख लिया है। मेरे पास बंद गोभी थी, वो मैंने ले लिया। और ये मेरे पास टमाटर था एक, मैंने उसे चॉप कटिंग कर लिया। और मेरे पास खीरे हैं, हाफ खीरा मैंने लिया है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, मैंने हाफ खीरा लिया है। उसके अलावा मेरे पास ये आटा है कटोरी बनाने के लिए, ये मैंने घर का आटा लिया है। ये वैसे मैदे में भी बनती हैं और घर के आटे में भी बनती है, आपको जिसमें पसंद हो आप उसमें बनाएं। तो अब हम कटोरी, सबसे पहले कटोरी चाट बनाने के लिए हम कटोरी बनाएंगे। कटोरी के लिए ये मेरे पास तकरीबन एक एक रोटी के जितना आटा है, इसको मैं रोटी की तरह बढ़ा लेती हूँ। इसका हम पेड़ा बना लेंगे रोटी की तरह, नर हम पतले कर लेंगे। इसे रोटी की तरह हम पतला बड़ा कर लेंगे। वैसे ये मैदे में भी, ज़्यादातर ये मैदे में ही बनती है, रोटी में बहुत कम लोग बनाते हैं आटे में, लेकिन मुझे आटे की कटोरी ज़्यादा पसंद है। आप इसको मैदे में बनाएं, आप इसे ट्राई करें। जब भी कोई मेहमान आए तो आप कटोरी चाट बनाएं, तो आप उसको इसी तरह से सर्व करें, कटोरी में यही वाली कटोरी बनाएं, इसमें सर्व करें, ज़रा खूबसूरत लगता है। और जो चीज़ देखने में खूबसूरत लगे वो दिल करता है बस इसे फटाफट खा जाओ। ये हमने रोटी बड़ी कर ली है, अब इसके ऊपर हम ये कटोरी रख देंगे, क्लीन कटोरी है। और इस तरह से इसको कवर कर देंगे कटोरी को। ये देखें, इसको हमने कवर कर दिया और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ये हमने प्रेस कर लिया है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे हम आराम आराम से कटिंग कर लेंगे ताकि बिल्कुल क्लीन लुक आ जाए। ये देखें, और इसको हम दोबारा, इसकी एक और कटोरी बन सकती है, ये इतना आटा है हमारे पास। ये मैंने ऑयल ले लिया था, ये गरम है, मुझे हीट महसूस हो रही है। इसके अंदर हम जो कटोरी बनाई है वो डाल देंगे और इसको बिल्कुल लो आंच पे हम फ्राई करेंगे। इसे हम घुमाते जाएंगे। मैंने दूसरी भी बढ़ा ली और फोक की मदद से इसके अंदर हम सुराख कर लेंगे ताकि हमारा फूले ना। पहले भी मैंने इसी तरह किया था लेकिन वहाँ से वीडियो रुक गई थी, मुझे पता नहीं चला, तो इस तरह हमने करना है। ताकि जब हम ऑयल में डीप करें तो ये अच्छे तरीके से हर जगह से कुक हो जाए और क्रिस्पी सी बन जाए। अब इसके ऊपर हम अपनी कटोरी रख लेंगे और फिर से इसको कवर कर देंगे। और इसको फ्राइंग के लिए डाल देंगे कटिंग करके।
इसको हम सेकते जाएंगे। ये अपने आप ये देखें यहाँ से खुल गई है, ये सारी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुल जाएगी। ये देखें यहाँ से इस सब साइड से ये खुल गई है थोड़ी सी। जैसे ये थोड़ी सी कुक होगी ये खुद ही खुल जाएगी। इसका हमने वेट करना है खुलने का, खुद ही इसको हमने छेड़ना नहीं है, नहीं तो हमारी कटोरी ख़राब भी हो सकती है। इसकी साइड मैंने चेंज कर ली है, इसके सारे कॉर्नर जगह जगह से खुल गए थे और जगह जगह से बंद थे। इस तरह से ये जल्दी छोड़ देगी कटोरी हमारी। बिल्कुल मैं इसको लो फ्लेम पे बना रही हूँ ताकि ये क्रिस्पी बने। कटोरी हमारी निकल आई है, इसको हम छुड़वा लेते हैं। ये देखते हैं अब इसको मैं पकड़ के इसके कॉर्नर जो हमसे हैं वो पका लूँगी, क्योंकि ये पीछे से कुक हो गई है, इसकी साइडें सिर्फ रह गई हैं। ये कटोरी हमारी कुक हो गई है, इसे हम निकाल लेते हैं। ये हमारी कटोरियाँ, इसमें हम थोड़ी सी जो हमने भलियाँ भिगो के रखी थी वो ऐड कर देंगे। आप चाहें तो भलियों में ही सारा कुछ डाल के फिर आप इसमें सर्व कर सकते हैं। मैं हाथों से डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इससे इजी लगता है। थोड़ी सी इसमें हम बंद गोभी ऐड कर देंगे, थोड़ी सी प्याज, थोड़े से खीरे, चाट मसाला, और लास्ट में दही। इसके ऊपर थोड़ा सा और चाट मसाला डाल देंगे। ये हमारी कटोरी चाट तैयार है। आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि ये किस तरह की आपको मेरी रेसिपी लगी है। जब भी आपके घर कोई गेस्ट आए तो आप इस रेसिपी को फॉलो करें और इसी तरह बनाएं। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल है कटोरी चाट का, और इस तरह सर्व करने से इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे शेयर करें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।